जय हिंद दोस्तों। हमने कई सारे फूड जॉइंट्स देखे हैं, कई सारी खाने पीने की दुकानें होती हैं। अगर आप खाने पीने के शौकीन हैं तो आपको आपके शहर के कई सारे ऐसे अड्डे पता होंगे बेहतरीन खाने मिलने के, जो कि सब लोग शायद नहीं जानते होंगे। जाहिर सी बात है, क्योंकि आपने घाट घाट का पानी पिया हुआ है। लेकिन एक चीज़ और आपको पता होगी कि अगर कोई व्यक्ति, मतलब कोई दुकान है, वो दुकान दिखने में थोड़ी ख़राब सी है लेकिन उसका स्वाद बहुत अच्छा है, तब भी लोग वहाँ पर जाने से कतराते हैं, खास करके नए लोगों को लगता है यार दुकान ऐसी दिख रही है, पता नहीं टेस्ट कैसा होगा, क्वालिटी होगी कि नहीं होगी। 10 तरह की चीज़ें आती हैं। हालांकि स्ट्रीट फूड में कभी क्वालिटी नहीं देखनी चाहिए, वरना स्वाद नहीं ले पाओगे। खैर ठीक है, इसी से एक कहावत जन्मी कि भाई ऊंची दुकान फीके पकवान। क्यों? क्योंकि कई सारी दुकानें ऐसी होती हैं जो कि दिखने में तो बहुत शूशा होती हैं, लेकिन जब आप वहाँ पर जाके खाना खाते हो या कुछ नाश्ता करते हो तो आपको पता चलता है कि अरे यार यहाँ तो साला स्वाद ही नहीं है। और ऐसा ही हाल अभी OTT का भी हो गया है। कई सारे OTT प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जिनके ऊपर वेब सीरीज़ तो बहुत अच्छी अच्छी आ रही हैं, लेकिन उनको व्यूअर्स नहीं मिल पा रहे। क्यों? कारण साफ है, क्योंकि उसमें बड़े एक्टर्स नहीं हैं जो कि पब्लिक को खींचने का काम करते हैं। देखिए, वो बात एक अलग है कि वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी के कारण कई सारी वेब सीरीज़ ऐसी भी हैं जो कि बड़े स्टार्स के बिना भी अच्छा कर रही हैं और अच्छा करती भी हैं। ये हमने कई देख लिया, और यही कारण है कि OTT के अपने स्टार्स अब बन चुके हैं। भाई सीधी सी बात है, कई सारे एक्टर्स हैं जो कि OTT की ही पैदाइश हैं और वो OTT के बड़े स्टार बन चुके हैं। लेकिन एक बात फैक्ट है, ये आपको माननी पड़ेगी, कि जो सब्सक्रिप्शन है OTT, जो OTT वेबसाइट्स हैं, जितने प्लेटफॉर्म्स हैं, उनको अगर चलना है तो उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सब्सक्रिप्शन, कि सब्सक्रिप्शन बढ़ें। वो सब्सक्रिप्शन कैसे आएंगे? शूशा के साथ। तो इन्हीं सब चीज़ों के मद्देनज़र एक दैनिक भास्कर में एक रिपोर्ट छपी कि किस तरीके से OTT प्लेटफॉर्म्स उन स्टार्स को, जिनका कि बॉलीवुड में बड़ा नाम है, बड़ी मोटी रकम देकर अपने साथ उनको काम करवा रहे हैं, जिससे कि लोग उनको देखने के लिए OTT का सब्सक्रिप्शन लें। उसके बाद उनके पास कंटेंट है उनको दूसरी चीज़ें दिखाने के लिए, लेकिन उनको सबसे मेन बात यही है कि उनको एक बड़े स्टार की मूवी चाहिए। भाई जैसा कि हम राधे के केस में बात करें, 225 करोड़ की कुछ की डील थी। ट्रेड एनालिस्ट का कहना है कि मूवी जो है वो फ्लॉप हो गई है, लोगों को पसंद नहीं आई है। जितने भी लोगों के रिव्यू भी सामने आए, सब ने यही कहा कि मूवी अच्छी नहीं लगी। पेपर व्यू मॉडल के ऊपर ही मूवी रिलीज़ हुई थी, वो पेपर व्यू मॉडल भी यहाँ पर फेल होता हुआ दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर जी के लिए एक अच्छी चीज़ ये हो गई है कि राधे को रिलीज़ करने से उनके जो सब्सक्रिप्शन काउंट था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। अगर आपको ध्यान हो, सोनी लिव के ऊपर जो वेब सीरीज़ आई थी स्कैम 1992, हर्षद मेहता की जो कहानी थी, उसके कारण सोनी लिव एकदम से चर्चा में आ गया था, जिसकी कि पहले मतलब कोई ज़्यादा उसके बारे में चर्चा नहीं करता। लेकिन स्कैम 1992 के बाद सोनी लिव एक बार फिर चर्चा में आ गया था। ऐसा ही कुछ अब बाकी के OTT प्लेटफॉर्म्स भी अपनी स्ट्रैटेजी बनाने में लगे हुए हैं कि उनको एक वेब सीरीज़ ऐसी चाहिए जो कि उनके पास सब्सक्रिप्शन ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ला सके। अब इसके ऊपर जो दैनिक भास्कर में रिपोर्ट आई है उसके ऊपर ज़रा नज़र डाल लेते हैं। भारत में अब OTT का नेक्स्ट लेवल का गेम शुरू हो चुका है। इस बड़े बाजार में पैड बनाने के लिए बॉलीवुड के सुपरस्टार्स को मुँहमांगे पैसे दिए जा रहे हैं। अजय देवगन को एक वेब सीरीज़ के लिए 125 करोड़ के ऑफर की चर्चा है। इससे पहले अक्षय कुमार को भी 90 करोड़ का ऑफर ऑलरेडी मिल चुका है। दूसरी ओर मनोज वाजपेयी जैसे स्टार को फैमिली मैन 2 के बाद भी 20 से 22 करोड़ का अब ऑफर दिए जाने की खबर है। ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि OTT को अब अच्छे काम करने वाले स्टार के साथ साथ बॉलीवुड के स्टार्स की भी ज़रूरत महसूस होने लगी है। इस सारे घटनाक्रम के पीछे एक तर्क ये भी है कि OTT में भी बॉलीवुड जैसे स्टार सिस्टम शुरू हो जाएगा, लेकिन कुछ विश्लेषकों का मानना है कि OTT बॉलीवुड के मुकाबले डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, प्रोजेक्ट अप्रूवल और पेमेंट सिस्टम के मामले में बहुत ही ज़्यादा अलग है, इसलिए यहाँ स्टार सिस्टम हावी नहीं हो सकता। देश में OTT के पेड सब्सक्राइबर्स करीब 3 से 5 करोड़ के बीच हैं। IPL जैसे एक स्पोर्ट्स इवेंट के वक्त संख्या बढ़ जाती है, इसी वजह से डिज्नी हॉटस्टार सबसे टॉप पर रहता है। असली लड़ाई जनरल एंटरटेनमेंट की है। इसके लिए एक स्ट्रैटेजी सब्सक्रिप्शन रेट की है। जैसे नेटफ्लिक्स ने सिंगल स्क्रीन पर महीने के 199 रुपये वाले प्लान से धमाका कर दिया है। दूसरी ओर अमेजन प्राइम, अब कुछ हद तक हॉटस्टार भी मोबाइल कंपनियों के साथ बंडल पैकेज वाला फार्मूला इस्तेमाल करने के लिए अपने व्यूअरशिप बढ़ाने पर काम कर रहा है। कंटेंट के हिसाब से स्ट्रेटेजी ये है कि अपने ओरिजिनल शोज और फिल्म्स को बढ़ाना है। दूसरी बड़ी स्ट्रेटेजी है बॉलीवुड के स्टार्स को भी इंगेज करना। ये सुपर स्टार्स कम समय में ज़्यादा सब्सक्राइबर दिला सकते हैं। अमिताभ बच्चन ने KBC के जरिए Sony TV के लिए गेम बदल दिया था। सलमान बिग बॉस लेकर आए और आमिर ने सत्यमेव जयते किया। अब OTT में भी स्टार पावर का गेम शुरू होने जा रहा है। अजय देवगन की रुद्र, जो कि हॉटस्टार पर वेब सीरीज के रूप में आ रही है, और अक्षय कुमार की दी एंड अमेजन प्राइम वीडियो पर आएगी। 10 एपिसोड के लिए OTT के माध्यम मक्कत के स्टार को 1 से 3 करोड़, जबकि ज़्यादा बड़े स्टार को 3 से 7 करोड़ मिलते हैं। प्रोड्यूसर, प्लेटफॉर्म और स्क्रीन टाइम के हिसाब से इनमें फ़र्क होता है। मनोज वाजपेयी इस टाइम के सबसे बड़े स्टार हैं जो कि OTT पर हैं।
मनोज अच्छाई पहले ही बॉलीवुड में अपनी एक्टिंग का रुतबा जमा चुके थे, लेकिन फैमिली मैन से उन्होंने कामयाबी के नए आयाम को छुआ है। बाजार के सूत्रों की माने तो मनोज को अब पूरे सीजन के लिए 20 करोड़ तक के ऑफर आ रहे हैं। सिर्फ पैसा नहीं बल्कि एक OTT पर नई पहचान भी मिल रही है लोगों को। अभी शाहिद कपूर, माधुरी दीक्षित, जूही चावला, आयशा जुल्का, सोनाक्षी सिन्हा और रविंद्र टंडन की भी वेब सीरीज आ रही हैं। इसके अलावा अनिल कपूर TV सीरीज 24 पहले ही कर चुके हैं और प्रियंका चोपड़ा भी क्वांटिटी को में नजर आ चुकी हैं। ट्रेड एनालिस्ट गिरीश वानखेड़े ने कहा है कि संजीव कुमार अच्छे एक्टर थे, लेकिन अमिताभ उस जमाने के सुपरस्टार थे। लोग संजीव कुमार की तारीफ करते थे, मगर बॉक्स ऑफिस पर सिक्का अमिताभ का चलता था। ठीक उसी तरह अब OTT में पंकज त्रिपाठी और प्रतीक गांधी जैसे एक्टर स्टार हैं, लेकिन अब OTT को अपने सब्सक्राइबर तेजी से बढ़ाने के लिए अजय देवगन और अक्षय कुमार जैसे सुपरस्टार चाहिए। फिल्म की तरह OTT में भी सुपरस्टार नो रिस्क फार्मूला ही चुनेंगे। जैसे अजय देवगन की दुर्ग UK की लूथर का ऑफिशियल रीमेक है। लूथर में इद्रिस एल्बा ने जो किरदार निभाया था वो यहाँ पर अजय निभाएंगे। ये सीरीज इतनी सुपरहिट है कि UK में इसके 5 सीजन आ चुके हैं, मतलब हिट कंटेंट दोहराया जा रहा है। नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, हॉटस्टार के पास फंड की कमी नहीं है। नेटफ्लिक्स एक महीने में मिनिमम 200 करोड़ के टाइटल रिलीज करता है। इसके लिए भारत के किसी सुपरस्टार को 100-125 करोड़ देना कोई बड़ी डील नहीं है। विस्लिंग वुड्स इंटरनेशनल के वाइस प्रेसिडेंट और इमर्जिंग मीडिया हेड चैतन्य चिंचलीकर के मुताबिक पूरे विश्व में बड़े बड़े फिल्म स्टार्स OTT के लिए काम कर रहे हैं। भारत में भले ही ग्लोबल ट्रेंड को फॉलो कर रहे हों, बड़े स्टार्स के अलावा दूसरे एक्टर्स को भी बराबर का काम मिलता है। सीनियर OTT प्रोफेशनल अपर्णा आचरेकर के मुताबिक एक दो प्रोजेक्ट्स में एक ट्रेंड के अनुमान के अनुसार आप कुछ भी कह नहीं सकते। अजय देवगन को साइन करना मार्केटिंग के साथ साथ क्रिएटिव कॉल भी हो सकता है, क्योंकि लूथर जैसी सीरीज को रीमेक के लिए उसी कद का बनाना पड़ेगा और स्टार भी आपको ऐसा ही चाहिए। लेकिन सीक्रेट गेम्स की पहली सीरीज सैफ के लिए बहुत अच्छी रही, लेकिन बाद में दूसरा सीजन और तांडा में वो धमाका नहीं हुआ। दूसरी ओर पंकज त्रिपाठी के लिए मिर्जापुर, मनोज वाजपेयी के लिए फैमिली मैन और प्रतीक गांधी के लिए स्कैम क्लिक हो गई। ये तीनों स्टार अपने अपने क्षेत्र के हैं और इससे पहले भी वो काफ़ी सादा काम कर चुके हैं। सुपरस्टार के जरिए भारत ने बाजार में पैड बनाने के लिए बहुत हद तक एक सही गेम प्लान के रूप में भी देखा जा रहा है, लेकिन ये जो पूरी चीज़ें सामने आ रही हैं इनका सीधे सीधे मतलब यही है कि अगर OTT को नेक्स्ट लेवल पर जाना है तो उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी बॉलीवुड की स्टार पावर की। आप माने या ना माने, जो बड़े स्टार्स होते हैं वो अपने साथ कई सारे फैंस भी लेकर आते हैं और उन फैंस की ज़रूरत अब OTT प्लेटफॉर्म को जोड़ने लगी है। क्योंकि देखिए, भारत में अभी भी पायरेसी को लेकर कोई बहुत बड़ा कानून नहीं है मौजूद। ऐसे में पायरेसी का धड़ल्ले से उपयोग होता है। राधे के मामले में भी हमने देखा 203 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई थी जिन्होंने राधे को पायरेट किया था। ऐसे में कई सारी वेबसाइट्स भी मौजूद हैं। तो इसीलिए जब तक भारत में इस प्रकार का कोई कानून नहीं आ जाता सख्ती से, जैसा कि विदेशों में है, जो पायरेसी को रोकने में एकदम कारगर हो, तब तक OTT प्लेटफॉर्म्स अच्छे से फल फूल नहीं पाएंगे, क्योंकि उनको सब्सक्रिप्शन नहीं मिलेंगे। लोग दूसरे साधन ढूंढेंगे उन्हीं कंटेंट को देखने का। तो ऐसे में OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए सबसे अच्छा अभी गेम प्लान यही है कि वो बड़े स्टार्स का नाम यूज़ करके अपना सब्सक्रिप्शन बेस बढ़ाएं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनके पास जुड़े रहें। भले ही वो एक बड़े स्टार की एक मूवी रिलीज़ करके छोटे स्टार्स की 10 मूवी रिलीज़ कर दें, जिसमें कि कॉन्टेंट के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया, क्योंकि OTT की तरफ लोग जा ही इसलिए रहे हैं क्योंकि वहाँ पर उनको क्वालिटी कॉन्टेंट मिल रहा है, वो कहानियाँ देखने को मिल रही हैं जो वो हमेशा से देखना चाहते थे। आपका क्या कहना है इस बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपकी राय मैटर करती है। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।